क्या यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स वाइप कर पाएंगे टीम टपटप को? एक नेड आता है जोनाथन की तरफ से एंड नॉक के बदले नॉक आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर नेड कमिंग इन फ्रॉम जोनाथन। क्या एमजे नॉक होंगे? दिस कुड बी अ डेंजरस नेड। एक अच्छा नेड यहाँ पे जरूर जाएगा, बाहर नहीं गया लेकिन वो फिनिश जो चाहिए थी वो मिल चुकी है। एमजे सामने आते हुए पिक लेने की कोशिश अभी नहीं करी, टीपीपी ले सकते थे बट टीपीपी का इस्तेमाल नहीं करते हुए नजर आए। अब देखिए जोनाथन के पास मौका है इस क्लच को बढ़िया अंजाम तक लेके जाने का। एमजे वहां पर खड़े जरूर हैं, नियो वहां पर एक नॉक जरूर निकाल देंगे, बट ये लीजिए जो बात कर रहे थे टीपीपी एंगल की वही पॉजिटिव तरीके के रिजल्ट्स यहां पर निकाल कर आते हुए। जोनाथन आई थिंक ऑलरेडी 1v2 कर चुके हैं, और अगर आप बात करेंगे ये तीसरे फिनिश पॉइंट की तो इधर से मैक्स कश अकेले बचे, जोनाथन इन्हें भी स्पॉट कर चुके हैं बट मैक्स कश ऑन द अदर साइड कमिंग अप विद अ ग्रेनेड। न्यू माइट गो डाउन बिकॉज उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। एक और ग्रेनेड जाएगा जो शायद जी गॉड को भी दिक्कत दे सकता है। मैक्स कश पिछली बार भी अकेले बच गए थे, स्टन ग्रेनेड्स तो इनके काफी ज्यादा अच्छे जाते हैं, ये स्टन करके अंदर जाना बहुत पुराना टैक्टिक, बट अब क्या इसे एक बार फिर से बेहतर निकाल कर दिखा सकते हैं क्योंकि वहां पे रिवाइवल मिल रहा था। एक प्लेयर लो है, जोनाथन को नॉक कर देंगे तो इवन भी मुमकिन हो सकता है, बट नहीं, जोनाथन हैविंग द लास्ट लैप एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही डिड दैट 1v3। देखना चाहूंगा कितने फिनिश पॉइंट्स है टीम